सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, ऐसा कहना है हल्द्वानी के व्यापारियों का। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, कुछ दिन पहले यहां पर मुख्यमंत्री सीएम धामी जी आए थे और सीएम धामी जी ने यह बोला कि व्यापारियों ने उनको ज्ञापन दिया और धामी जी ने यह बोला कि आपको व्यवस्था की जाएगी और आपके पहले सबसे पहले टीन सेट बनाए जाएंगे, आपकी दूसरी जगह दुकान देने की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद आपकी दुकान तोड़े जाएंगे। तो बिल्कुल हाँ, वही यहां पर हो रहा है। अभी सारे जो पीछे देख रहे हैं ये दुकानें बन गई हैं, ये टीन सेट जो है ना, ये सारे उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी दुकान यहाँ पर हल्द्वानी में अतिक्रमण के तहत टूट रही है। आज सारा कुछ दिखाऊंगा, कितनी दुकानें यहाँ पर बन रही है, कहाँ पर बन रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के मंगल पड़ाव क्षेत्र में। मंगल पड़ाव से आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को आज, और आपको भी सुन के जरा अच्छा लग रहा होगा और देख के भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रोड चौड़ीकरण के जद में जो दुकानें आ रही थी, जिनका पूरी लगभग 20 से 25 दुकानें लगभग पूरी तरह से जमींदोज हो रही थी, उनके लिए यहाँ पर सरकार ने दुकानें बना दी है। अभी देख रहे होंगे पूरी दुकानें बनाई है, सारा कुछ दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना। तो लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, हल्द्वानी का जो मंगल पड़ाव है, सामने आप देख रहे होंगे होलिका ग्राउंड, होलिका ग्राउंड के ठीक सामने ये साइड, जहां पर कुछ दिन पहले यहां पर पार्क हुआ करता था, बहुत पुराना पार्क था, यहां पर ठेले लगते थे। उसके बाद नगर निगम ने नया पार्क बनाया, उसको भी तोड़ा गया। उसके बाद यहां पर गाड़ियों की पार्किंग हुई, पेड पार्किंग प्राधिकरण ने यहां पर पार्किंग ट्रायल बेस में दी, वह पार्किंग भी हटी। तीन चीज घटे यहां पर, दो पार्क हटे, उसके बाद पार्किंग भी हटी, उसके बाद अब फाइनली यहां पर टीन सेट बन गए हैं। ये देखिए, ये यहीं पर है जहां पर पार्किंग हुआ करती थी। अब यहां पर जो दुकानें पूरी तरह से जमींदोज हो रही है, मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा है कि आपको हम दूसरी जगह बना के देंगे और बना के दे भी रहे हैं। अब जो ये अतिक्रमण के तहत ये सारी जो भी दुकानें यहां पर पूरी तरह से जमींदोज हो रही हैं, अभी ये सिंधी चौराहे का एरिया दिखा रहा हूं मैं, 20 से 22 दुकानें यहां पर लगभग अतिक्रमण की जद में यहां पर आ रही हैं, मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज तक, जिसकी पूरी दुकानें यहां पर जमींदोज हो रही है, उसके लिए यहां पर टीन सेट बन रहे हैं। टीन सेट यहां पर बन गए हैं, मैं जरा इधर से दिखा देता हूं, तो इधर से मैं जरा दिखा देता हूं, ये यहां पर कुछ दुकानें आती हैं। यहां से कुछ दिन पहले यहां पर पेड़ वगैरह कटे थे, सारा खाली हुआ था, तो देखो ये टीन सेट बना है, इस तरीके से बना है। देखिए ये किसी का काउंटर है यहां पर, ठेला, ये पता नहीं किसका है, सिलेंडर भी यहां पर पड़ा हुआ है, तो ऐसा बना है। यहां पीछे से मैं जरा दिखा देता हूं, ये देखिए पूरा टीन सेट है, साइड से टीन है, यहां से भी टीन है, शटल लगाया गया है सर, नगर निगम ने ये बनाई गई है, ये देखिए नगर निगम की दुकानें हैं। सेम साहब ने कहा है कि हम लोग टीन सेट की व्यवस्था करके देंगे, दुकानें बना के देंगे, तो बिल्कुल बना के दिए है, बिल्कुल ध्यान में रखते हुए। देखिए अच्छा लगा होगा उनको, जिसकी दुकानें यहां पर पूरी तरह से आ रही है और उनको यहां पर मिलेगी। ये देखिए पूरा यहां पर टीन सेट ही, देखो ये पेड़ अभी शिफ्ट होगा, अभी टैग लगाया है इसमें, ये देख रहे हो आप टीन सेट है, ये सब नगर निगम की दुकानें हैं। आप देख रहे होंगे कितने, मैं गिना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दुकानें लगभग अभी यहां पर बन चुकी हैं, 16 दुकानें लगभग यहां पर बन चुकी हैं, टोटल 20 से 25 दुकानें लगभग आ रही हैं पूरी तरह से, तो 16 लोगों के लिए व्यवस्था यहां पर हो चुकी है। अब यहां पर कुछ दुकानें और बनेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 20 दुकानें, हाँ लगभग 20 दुकानें बन रही है यहां पर, मैंने मोटा मोटा आइडिया लगा दिया है, 8 दुकानें यहां पर बन रही है, जो 20 है ये जो काम चल रहा है अभी यहां पर, ये भी बहुत जल्द यहां से तैयार हो जाएगा। तो 20 दुकानें यहां पर जिसकी भी आ रही है, 20 दुकानों जो जमींदोज हो रही है उनके लिए टीन सेट बन के लगभग तैयार है, और कुछ यहां पर बन रहा है, अब सीमेंट वीमेंट सेट हो जाएगा, उसके बाद यहां पर लोग रोजगार करेंगे जिसकी दुकानें पूरी तरह से जमींदोज है। तो अब यहां पर 12 मीटर का जो दायरा है अतिक्रमण के तहत जो आ रहा है वो लगभग तोड़ना तय है, और एक महीने के अंदर वो यहां से टूट जाएगा। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए कि यहां पर जो दुकानें दी गई हैं कैसा लगा आपको, जरूर बताना, बहुत बड़े, मुझे तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा वो जरूर बताना, क्योंकि यहां पर पार्किंग भी हो जाएगी, जो गाड़ियां वगैरह आएंगे तो काफी अंदर तक होंगे, क्योंकि 12 मीटर तक यहां तक सड़क आनी है, वहां से लेके 12 मीटर यहां तक सड़क आनी है, तो उसके बाद दुकानदार अपना काम कर सकते हैं यहां पर पीछे। तो ये लेटेस्ट खबर थी, दुकानें मिल गई हैं, अगर जिसको ये दुकानें मिली है वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट करिए कि कैसा है, और आप लोग भी कमेंट करिए कि ये किस तरीके से सरकार ने किया, धामी जी ने साफ कर दिया कि हम टीन सेट बना के दिए और बना के भी दे रहा है।
अब यहाँ पर बहुत जल्द यहाँ पर रोड चौड़ी हो रही है। धामी जी ने भी कहा कि रोड चौड़ीकरण का काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है हल्द्वानी इस तरीके से। तो यहाँ से अब ये जितना भी आपको ये अतिक्रमण दिख रहा है सारा कुछ यहाँ से टूटना लगभग तय है। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा ऊपर को आ चुका हूँ। महिला हॉस्पिटल का जो बाहर का जो बाउंड्री है और जो कमरे हैं उसका ऊपर वाला भाग ना लगभग इतना टूट गया है। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ हल्द्वानी का जो महिला हॉस्पिटल, आप देख पा रहे होंगे ये है राजकीय चिकित्सालय। इसका जो बाहर का जो अतिक्रमण रोड चौड़ीकरण के जद में जो ये आ रहा था ये लगभग टूटना चालू हो गया। ऊपर से तो लगभग टूट ही गया है और नीचे से गेट को बचाया गया है अभी, क्योंकि आने जाने में दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ का भाग लगभग इतना टूट गया है, ये देखिए, देख रहे हैं आप इतना काम चल रहा है यहाँ का। ये देखिए पूरा लगभग ये कुछ दिन में टूट जाएगा और उसकी वीडियो भी मैं अलग से आपके लिए लेके आऊंगा। फिलहाल यहाँ पर काफी ट्रैफिक है। नया अपडेट था अतिक्रमण से रिलेटिव, अतिक्रमण के जद में जो यहाँ पर ये दुकान आ रही थी वो हटनी है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर ट्रैफिक है, आप देख पा रहे होंगे। अभी आने वाले समय में काफी यहाँ पर ट्रैफिक रहेगा क्योंकि तीज त्योहार आ रहे हैं, तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल होने वाली है आपको चलने में। जब ये रोड चौड़ा हो जाएगा तो उसके बाद आपको आसानी होगी। ये देखिए, ये देखो यहाँ से जरा मैं दिखा देता हूँ, ये देखो इतना लगभग टूट गया है, ये देखो। तो लगभग इसका गेट भी जाना है और यहाँ तक भी आना है और पीछे बन रहा है नया महिला हॉस्पिटल। ये देखिए इतना काम हो गया है और ऊपर तक अभी काम होगा। जी जय, मिक्स मेवा कै रुपए किलो है ये? 250 रुपए की पावर है। और अखरोट कैसे दे रहे हो? अखरोट ये वाला 600 है, ये वाला 450, उधर वाला 500, उधर वाला 550। 550, 500, ये 400। और ये छुआरे, ये बादाम कौन सा है? बादाम कश्मीरी। कितने रुपए किलो है? 750। ये 120 की पावर है। ये अखरोट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये 300 का पावर। वो क्या है? ये अंजीर है। अच्छा, कै रुपए किलो? ठीक चल रहा है काम? तो यहाँ पर ना इसके साथ साथ ही देखो हमारे माताएं बहनें यहाँ पर ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, तो इनके वास्ते ना अखरोट उखरा जरूर लेना आप। देखो सुबह से लगे पड़े हैं यहाँ पर ये। तो गाइस वीडियो समाप्त करते हैं। यहाँ का मैंने हलचल दिखाया मार्केट का, दुकानें बन गई है, हटना लगभग तय है। 20 दुकानें लगभग वहां पर बन रही है, 4 दुकानें बची है बनना, बाकी 16 दुकानें कम्प्लीट लगभग हो चुकी है। अंदर अब उनको रजिस्ट्रेशन करके जिसका भी आ रहा है नगर निगम उनको सौंपेगी। कब वो दुकान खुलती है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ साथ ही मैंने आपको इस महिला हॉस्पिटल का जो भी अतिक्रमण के तहत, जो चौड़ीकरण के तहत जो बाउंड्री आ रही थी, जो भी आ रहे थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। पीछे आप देख रहे होंगे टूट रहा है, आसपास का एरिया दिखाया, आपको कैसा लगा जरूर बताना। तो अभी नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से हाजिर होते हैं। नई जानकारी क्या होती है, नया अपडेट क्या होता है यहाँ पर बाजार से, किस तरीके का यहाँ पर हलचल होता है और किस तरीके का यहाँ पर काम होता है, कब यहाँ पर और रोड चौड़ीकरण का काम जल्द से जल्द होता है और रोड चौड़ा होता है, सारा कुछ अपडेट लेके समय समय से आपको मैं हल्द्वानी से दिखाते रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर ठोकना कि आपकी क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।